नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज, मैं हूं सुनील राउत। पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद हुई हिंसा की जो तस्वीरें सामने आ पाई, उन्होंने पूरे देश को दिखा दिया कि कैसे यहां जंगल राज चला और टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने राजनीतिक रंजिश में सारी हदों को पार करते हुए अत्याचार और आतंक को अंजाम दिया था। लोगों के घरों को लूटा गया, उन्हें आग के हवाले किया गया और महिलाओं की आबरू लूटकर उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया था। कई जगहों पर तो रात को महिलाओं को उठाकर ले जाते और रात भर उनका सामूहिक बलात्कार कर सुबह उन्हें घर छोड़ जाते। इन मामलों को पुलिस की चुप्पी ने और बढ़ावा दिया और अपराधियों के हौसले और बुलंद हुए। पुलिस की एक तरफा कार्रवाई की वजह से कई महिलाएं तो अपने खिलाफ हुए अत्याचार की रिपोर्ट तक दर्ज नहीं करा पाई और जिन्होंने हिम्मत की, दूसरे दिन उनके घरों को आग के हवाले कर दिया गया। बंगाल में चुनाव के बाद टीएमसी के गुंडों ने वो बर्बरता की जिसका कोई अंत नहीं था, लेकिन अब ये मामले सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने लगे हैं क्योंकि राज्य की पुलिस और राज्य में इन महिलाओं को इंसाफ की उम्मीद बिल्कुल नहीं, और ये लोग अब यहां इंसाफ की मांग कर रहे हैं। राज्य की कई महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और खुद पर हुई ज्यादतियों के बारे में बताते हुए एसआईटी जांच की मांग की है। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक 60 साल की एक महिला ने कोर्ट में बताया कि कैसे उसके घर में 4 मई की रात को टीएमसी के गुंडे जबरन घुसाए और उसके पोते के सामने ही उसके साथ बलात्कार किया। यही नहीं, महिला ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर घर में लूट का भी आरोप लगाया है। मामला बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले का है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी में महिला ने यह भी कहा कि बंगाल में इन घटनाओं को पुलिस की ओर से निष्क्रियता के चलते भी बढ़ावा मिल रहा है। अब अर्जी दाखिल करने वाली महिलाओं में से एक ने यह भी कहा है कि उसके पति ने बीजेपी के लिए प्रचार किया था, उनकी बाकायदा पहचान की गई और टीएमसी के लोगों ने दिन दहाड़े उन्हें कुल्हाड़ी से काट डाला। महिला ने कहा कि वो असहाय होकर अपने पति को टीएमसी के गुंडों के हमले में मरती हुई देखती रही और कुछ भी नहीं कर पाई। महिला ने यह भी बताया कि हमलावरों ने बाद में उसके साथ रेप की कोशिश भी की, लेकिन वह वहां जैसे तैसे उन हैवानों से बच पाई। इनके अलावा सुप्रीम कोर्ट को एक 17 साल की दलित लड़की ने बताया कि 9 मई को टीएमसी के गुंडों ने उनके साथ भी रेप किया और उसे जंगल में ही मरने के लिए छोड़ दिया। यही नहीं, लड़की ने दावा किया कि अगले दिन टीएमसी के नेता उसके घर आए और धमकी दी कि अगर उसने मामले की शिकायत पुलिस में की तो घर को आग के हवाले कर दिया जाएगा और परिवार को जान से मार देंगे। आपको बता दें कि इससे पहले भी 18 मई को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया था। चुनाव के बाद हुई हिंसा में बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं की हत्या के आरोप में यह अर्जी दाखिल की गई थी, जिसके बाद 4 जून को कोलकाता हाईकोर्ट ने भी बंगाल सरकार के प्रशासन को आदेश दिया था कि चुनाव बाद हुई हिंसा के बाद घरों को छोड़कर भागे लोगों को वापस बसाने की कोशिश करें, लेकिन दिल्ली की पुलिस ने अभी तक इस काम में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट से इन महिलाओं को क्या इंसाफ मिल पाता है और क्या बंगाल की महिला मुख्यमंत्री इन वहशी दरिंदों को कोई सजा दिलवा पाती है। कमेंट बॉक्स में आप इसमें आपकी जो भी राय हो वो ज़रूर बताएं। आपको क्या लगता है, अगर आप बंगाल से हैं, बंगाल में क्या हालात है, तो वहाँ आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।